अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम अपनी रीडिंग को तसलसल के साथ जारी रखते हैं। माई डॉक्यूमेंट इज़ अ डिफ़ॉल्ट फोल्डर ऑन द विंडो डेस्कटॉप। माई डॉक्यूमेंट जो है वो एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर है, यानी एक इसका अपना फोल्डर है जो कि विंडो डेस्कटॉप पर हमें नज़र आता है। इट कंटेंट्स फोल्डर एंड फाइल्स, ये मुश्तमिल होता है फोल्डर पर और फाइल्स पर। विच कैन बी एक्सेस क्विकली, जिसको हम आसानी से जिस तक हमारा फौरन दस्तरद हासिल कर सकते हैं, यानी हमें कोई भी चीज़ सेव करनी होती है हमारे डॉक्यूमेंट के हवाले से तो फौरन माई डॉक्यूमेंट में हमें मिल जाती है। इट्स आइकन एंड फाइल्स विच कैन बी एक्सेस क्विकली, इट्स आइकन लुक लाइक अ फोल्डर विथ अ शीट ऑफ पेपर इन इट। ये जो आइकन होता है ये दिखने में लगता है कि एक फोल्डर है जिसके साथ पेपर की जो शीट है वो इसके अंदर मौजूद हैं। फाइल्स क्रिएट इन ऑल प्रोग्राम आर सेव्ड इन माई डॉक्यूमेंट फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट। जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम वर्ड में काम कर रहे हैं और हमने कुछ टाइप करा उसको सेव कर दिया, तो वो सेव कहाँ होगा? अगर हम उसको कहीं फोल्डर देंगे तो सही, वरना ये डायरेक्ट माई डॉक्यूमेंट में सेव होगा। ठीक, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको समझने के लिए कि हम कोई भी अपना फोल्डर अपने फाइल सेव करते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो माई डॉक्यूमेंट में ही सेव होता है, जब तक हम उसकी जगह चेंज ना कर दें। इसके बाद आता है हमारा नेटवर्क नेबरहुड। ठीक है, नेटवर्क नेबरहुड आइकन इज़ यूज टू वीव द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। जो नेटवर्क नेबरहुड आइकन है, ये देखें, ये रहा आपका नेटवर्क नेबरहुड आइकन। तो जो नेटवर्क नेबरहुड आइकन है वो इस्तेमाल होता है देखने के लिए कि कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस, हमारा कंप्यूटर और हमारे दूसरे डिवाइसेस नेटवर्क पर हैं या नहीं। ठीक, रिमेंबर, याद रखिए। अच्छा, ये देखें, ये आपको मिसाल दी गई है छोटी सी, जिसमें माय कंप्यूटर है, माय नेटवर्क प्लेसेस है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए रिमेंबर में क्या कह रही हैं, शायद आपको आपके कंप्यूटर में नेबरहुड जो है आइकन ये ना मिले, तो ये इसी वजह से इन्होंने रिमेंबर दिया है। इन विंडो एक्सपी में यू विल नॉट सी नेटवर्क नेबरहुड, आपको देखने को नहीं मिलेगा नेटवर्क नेबरहुड। क्यों? मगर एन इक्विवेलेंट आइकन बाय द नेम ऑफ माय नेटवर्क प्लेसेस एज शोन ऑन लेफ्ट। मगर इससे ही हम पल्ला, इससे इसके ही बराबर का जो है आइकन आपको मिलेगा जिसका नाम होगा माय नेटवर्क प्लेसेस। ठीक है, जो कि जाहिर होगा लेफ्ट पर, बाएं हाथ पर। ठीक, तो जो पहले के कंप्यूटर थे इनमें, जो पहले की विंडोज़ थी उनमें नेटवर्क नेबरहुड आता था, लेकिन अब जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें जो है वो माय नेटवर्क प्लेसेस आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे रिसाइकल बिन आइकन रिप्रेजेंट अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया। रिसाइकल बिन आइकन जो है वो जाहिर करता है वक्ती तौर पर स्टोरेज एरिया, या आप यूँ समझिए कि रिप्रेजेंट अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया, यानी इसको इस तरह जाहिर किया जाता है कि ये एक वक्ती तौर पर अपने अंदर डेटा जमा करने वाला हिस्सा है। वेयर डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर आर स्टोर्ड, जहां हम अपनी डिलीट की हुई फाइल और फोल्डर को महफूज करते हैं या जमा करते हैं। व्हेन यू डिलीट अ फाइल और फोल्डर, जब आप अपनी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं फ्रॉम द हार्ड डिस्क से ऑफ योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से, इट मूव टू द रिसाइकल बिन, यह भेज देता है उन डिलीटेड फाइल को या फोल्डर को रिसाइकल बिन में, जिससे कि आपको मालूम होगा। राइट क्लिक द आइकन अलाउ अस टू रिस्टोर द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर टू दियर ओरिजिनल लोकेशन। अच्छा, राइट क्लिक करेंगे इस आइकन, आइकन पर राइट क्लिक करेंगे, यानी माउस को अपना राइट क्लिक प्रेस करेंगे, अलाउ टू रिस्टोर द डिलीट फाइल एंड फोल्डर टू दियर ओरिजिनल लोकेशन। जब आप राइट क्लिक करेंगे इस आइकन पर तो इसमें एक रिस्टोर का ऑप्शन आएगा,
ठीक है। तो इससे जो आपने अपनी डिलीटेड फाइल जो आपने डिलीट की है, अगर आप दोबारा उसको हार्ड डिस्क में डालना चाहते हैं तो आप रिस्टोर का जैसे बटन प्रेस करेंगे तो जो फाइल है रिसाइकल बिन में आप डिलीट कर चुके हैं वो दोबारा उसमें चले जाएंगी। अब आता है हमारा टास्क बार। टास्क बार बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप हैज़ अ लॉन्गर बार, लॉन्ग बार विच इज़ नोन एज द टास्क बार दैट कंटेन स्टार्ट बटन ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। डेस्कटॉप के बॉटम पर, डेस्कटॉप के नीचे हैज़ अ लॉन्ग बार, एक लंबी पट्टी होती है, ठीक है, लॉन्ग बार होती है लंबी पट्टी, विच इज़ नॉन एज द टास्क बार, जिसको हम टास्क बार के नाम से पहचानते हैं, जो कि मुश्तमिल होता है स्टार्ट बटन पर जो कि इसके लेफ्ट साइड पर होता है। देखें ये आपको मिसाल दी गई है टास्क बार की, ठीक है, ये आपका टास्क बार है, ये आपका टास्क बार, ये आपका स्टार्ट बटन, ठीक। अब इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। द टास्क बार हैज़ सम क्विक लॉन्च आइकन। टास्क बार के अंदर जो है वो क्विक लॉन्च यानी फ़ौरन लॉन्च होने वाले, फ़ौरन चलने वाले आइकन होते हैं, जिसे ये आपको यहाँ दिए हुए, ठीक है, यानी इसकी मदद से हमें फ़ौरन जो है इस पर क्लिक करेंगे और वो हमारा जो आइकन ऐप है वो खुल जाएगी। एंड बटन, और बटन होते हैं रिप्रेजेंटिंग ओपन एप्लीकेशन एंड अ ट्रे ऑन द राइट एंड क्विक लॉन्च आइकन हेल्प इन ओपनिंग द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम इजीली व्हेन दिस आइकन आर क्लिक्ड। टास्क बार पर जैसे मैंने बताया कि क्विक लॉन्च आइकन होते हैं कि इसको हम जैसे एक बार क्लिक करते तो वो फ़ौरन खुल जाते हैं, और बटन होते हैं जो कि जाहिर करते हैं ओपन एप्लीकेशन यानी जो कि हम सॉफ्टवेयर खोले हुए होते हैं वो भी टास्क बार पर जाहिर करते हैं, ठीक है, यानी हम जब मिनिमाइज़ कर देते हैं बंद कर देते हैं तो वो भी टास्क बार पर जाहिर होते हैं। एंड आ ट्रे, और एक ट्रे होती है ऑन द राइट हैंड, वो राइट हैंड पर, जैसे कि ये देखें ये रही आपकी ट्रे जिसको उससे भी दिया गया है। अच्छा जी, तो ट्रे इस पर मौजूद होती है। क्विक लॉन्च आइकन मदद करते हैं खोलने में रिस्पेक्टिव प्रोग्राम इजीली, यानी कि हमें कोई प्रोग्राम खोलना है तो उस पर आइकन मौजूद होते हैं, ठीक है, हमें उन आइकन्स जो डेस्कटॉप पे मौजूद होते हैं उनमें ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। टास्क बार पर हम वही एप्लीकेशन को पिन करते हैं, पिनअप करते हैं कि जो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है जब हमें खोलना हो तो इस पर फ़ौरन क्लिक करेंगे तो हमारा क्विक लॉन्च हो जाएगा, जल्दी से खुल जाएगा। When this icon are क्लिक, जब उस आइकन को हम क्लिक करेंगे, there are some program, बहुत सारे प्रोग्राम हैं which are always active in the computer memory, जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। there are indicated by icon in a section of a taskbar known as tray, जिनको इंडिकेट आइकन के जरिए इंडिकेट किया जाता है, जाहिर किया जाता है इन अ सेक्शन ऑफ द taskbar, टास्क बार के एक हिस्से में, जिसको हम ट्रे कहते हैं, जिसे हमने हमने आपको बताया ट्रे। तो देखें आप ट्रे के अंदर आप वही प्रोग्राम देखते हैं जैसे स्पीकर का वॉल्यूम देखते हैं, या यूएसबी जब आप इनपुट देते हैं, यूएसबी को जब अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो इसमें तो वो ये सारे काम जो है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो चल रहे होते हैं वो ट्रे के अंदर मौजूद होते हैं। दिस एप्लीकेशन इंक्लूड द एंटीवायरस प्रोग्राम, इन एप्लीकेशन में मुश्तमिल है एंटीवायरस प्रोग्राम विच प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, जो कि आपके मेमोरी के अंदर जो वायरस होता है इसको आने नहीं देते और प्रोटेक्ट करते हैं आपके डेटा को, क्योंकि चल रहे होते हैं इस वजह से वो ट्रे में होते हैं। द वॉल्यूम कंट्रोल प्रोग्राम एंड डेट एंड टाइम प्रोग्राम, वॉल्यूम की निगरानी करने वाले प्रोग्राम और डेट एंड टाइम प्रोग्राम। देखें आप वॉल्यूम का जो है हमारा जब कंप्यूटर खोलते जाहिर सी बात है वॉल्यूम का काम तो होगा, और डेट और टाइम, वक्त और तारीख का काम भी जाहिर सी बात है, जब हमारा टाइम भी बदलते रहेगा और जो दिन भी है वो बदलते रहेगा, इस वजह से ये रनिंग प्रोग्राम है। तो इस वजह से ये रनिंग प्रोग्राम कहाँ होते हैं, ट्रे में मौजूद होते हैं। विच अलाउ यू टू एडजस्ट द डेट एंड टाइम ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि आपकी इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं इसकी डेट और टाइम को, किनकी, कंप्यूटर की। विंडो, एक विंडो, अ विंडो हैज़ मैनी पार्ट्स विच डिफर फ्राम वन प्रोग्राम टू
अनदर। विंडो के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मदद करते हैं। बट देयर आर अ फ्यू पार्ट्स कॉमन इन ऑल द एप्लीकेशन। मगर हम कुछ हिस्सों को डिफाइन करेंगे जो कि आमतौर पर तमाम एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। अब देखें, आपको निशानदेही की गई है, जैसे कि ये देखें, टाइटल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, एड्रेस बार। ये आपको याद रखना चाहिए ताकि आपको कोई भी अगर पूछता है तो आपको बताना हो कि सबसे जो ऊपर हेडिंग होती है उसको क्या कहते हैं, जो बार होता है उसको टाइटल बार। इसके नीचे छोटी सी पट्टी होती है जिसपे फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स, हेल्प लिखा हुआ होता है, इनमें उनको हम मेन्यू बार कहते हैं। इसके नीचे जो बैक, प्रीवियस, न्यू फोल्डर, सर्च फोल्डर्स का ऑप्शन होता है उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार। और इसके नीचे एड्रेस लिखा हुआ होता है या एक छोटी सी पट्टी होती है उसे हम कहते हैं एड्रेस बार। फिर ये जो स्क्रॉल होता है यानी जिसके ज़रिए हम नीचे आ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, तो वो स्क्रॉल बार कहलाता है। जैसे कि ये सबसे नीचे जो हमारी बार होती है, जो पट्टी होती है, उसे कहते हैं स्टेटस बार। इसके अलावा जो काटी का बटन है ये, वो क्लोज बटन कहलाता है। इसके बाद जो है मैक्सिमाइज बटन, उसके बाद मिनिमाइज बटन। तो ये सारे विंडो के पार्ट्स हैं। अच्छा, द टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोग्राम्स एंड हैज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन ऑन द राइट। व्हेन यू वांट टू क्लोज अ विंडो, क्लिक कैंसिल बटन। टाइटल बार जो हमें दिखाता है प्रोग्राम का नेम, यानी आपने जो भी प्रोग्राम खोला होगा उसका नाम आपको ऊपर टाइटल बार पर नज़र आ जाएगा। उसके इस पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। अगर आप कोई प्रोग्राम क्लोज करना चाहते, बंद करना चाहते, तो आप कौन सा बटन दबाएंगे, लाल वाला, जिसे आमतौर पर कहा जाता है, यानी कैंसिल का बटन। नेक्स्ट द क्लोज बटन इज रिस्टोर, मैक्सिमाइज बटन। क्लोज बटन के बाद जो आता है वो रिस्टोर या मैक्सिमाइज बटन आता है। सिंगल क्लिक द मैक्सिमाइज बटन टू मेक द विंडो फिल द एंटायर स्क्रीन। मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करने पर हमारी जो पूरी जो विंडो होगी वो पूरी स्क्रीन पर जो है वो नज़र आने लगेगी, यानी पूरी स्क्रीन पर फैल जाएगी। व्हेन द विंडो इज मैक्सिमाइज, जब आपकी विंडो बड़ी हो, मैक्सिमाइड हो, द मैक्सिमाइज बटन चेंज टू रिस्टोर बटन। तो फिर आपको जो मैक्सिमाइज बटन होता है, यानी ये वाला जो बटन होता है आपका, ये वाला जो बटन होता है वो आपका किस शेप में आ जाएगा, जैसे आप मैक्सिमाइज कर देंगे, इस बटन को क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपका इस तरह का बटन जो है आपको जाहिर करेगा, यानी वो जो मैक्सिमाइज बटन है वो रिस्टोर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा रिस्टोर बटन में। सिंगल क्लिक किंग रिस्टोर बटन रिस्टोर विंडो टू इट्स प्रीवियस साइज, यानी आप जब मैक्सिमाइज कर देंगे और फिर आप रिस्टोर का बटन दबाएंगे, तो जब आपने मैक्सिमाइज करा होगा जिस उस वक्त जब विंडो थी, यानी जो विंडो का साइज था, तो रिस्टोर बटन दबाने के बाद दोबारा इसका वही साइज, पिछला साइज दोबारा आ जाएगा, यानी कि आपका समझा ये साइज़ है, जिसे आप मैक्सिमाइज के बटन दबाते हैं तो ये पूरी स्क्रीन पर यहाँ से यहाँ फैल जाएगा। ठीक, अब जैसे अब ये बटन जो है ये रिस्टोर बटन में तब्दील हो जाएगा, फिर आप रिस्टोर का बटन दबाएंगे तो ये जो पूरी स्क्रीन पे जो फैला हुआ था, फैली हुई होगी ये आपकी विंडो, तो दोबारा ये इस साइज में आ जाएगी। समझ में आया आपको? सिंगल क्लिकिंग मिनिमाइज बटन, सिंगल क्लिकिंग यानी सिर्फ एक बार क्लिक करने से मिनिमाइज बटन पर रिड्यूस द विंडो टू अ बटन ऑन अ टास्क बार, यानी आपकी जो विंडो है वो कम हो जाएगी या नीचे चली जाएगी टास्क बार पर। ठीक है, क्लिक दिस बटन टू रिस्टोर द विंडो। यानी वो टास्क बार पर आपको प्रोग्राम नीचे आ जाएगा, यानी टास्क बार पर आ जाएगा, फिर जब आप वो प्रोग्राम को क्लिक करेंगे तो वापस वो खुल जाएगा। ये है वर्किंग इन मल्टीपल विंडोज, यानी एक से ज्यादा विंडो पर काम करना। वी नो डेट विंडो इज द मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सो वी कैन डू मल्टीपल टास्क सिमल्टेनियसली। आप जानते हैं कि विंडो जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि हमने पीछे फीचर्स में पढ़ा, तो हम इसके ज़रिए बहुत सारे काम एक ही वक्त में कर सकते हैं। सिमल्टेनियसली मीन्स एक ही वक्त में।
यू कैन ओपन एंड यूज़ मल्टीपल विंडो एट द सेम टाइम। आप एक ही वक्त में विंडो को खोल भी सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत सारे विंडो को खोल सकते हैं और इनमें जिस पर आप चाहे काम भी कर सकते हैं। सपोज ख्याल करें, यू वॉन्ट टू वर्क सिमल्टेनियसली इन माई डॉक्यूमेंट ऑन माई कंप्यूटर। आप एक ही वक्त में काम करना चाहते हैं माई डॉक्यूमेंट पर और माई कंप्यूटर पर। टू ओपन सम फाइल ऑफ देयर कंटेंट्स, आप अपनी जो कंप्यूटर की माई कंप्यूटर में आपने माई कंप्यूटर के जो आइकन है उसको क्लिक किया, ठीक है, तो आपकी विंडो खुल जाएगी। ओपन माई कंप्यूटर विंडो बाय डबल क्लिकिंग इट्स आइकन। वो कब खुलेगी? जब आप माई कंप्यूटर विंडो पर डबल क्लिक करेंगे। विल गेट ए मैक्सिमाइज विंडो टाइटल माई कंप्यूटर। तो जब आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर पर तो आपको एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपका सारा कंटेंट जाहिर होगा, यानी जो आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो पार्टीशन है, आपके पास जो तस्वीरें वगैरह हैं वो सारी जाहिर हो जाएंगी, ठीक है। और ऊपर जो टाइटल बार पर क्या आएगा, माई कंप्यूटर का टाइटल आ जाएगा। नाउ फिर मिनिमाइज द माई कंप्यूटर बाय क्लिकिंग मिनिमाइज बटन। फिर आप माई कंप्यूटर को मिनिमाइज कर देंगे, कौन से बटन को दबाकर? मिनिमाइज बटन को दबाकर। नाउ डबल क्लिक द माई डॉक्यूमेंट आइकन टू ओपन दिस विंडो। फिर आप डबल क्लिक करेंगे माई डॉक्यूमेंट पर, उसकी विंडो, फिर जब आप जैसे डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे विंडो खुल जाएगी। डबल क्लिकिंग द फोल्डर एंड फाइल्स टू चेक देयर कंटेंट्स। डबल क्लिक करेंगे आप फोल्डर और फाइल पर ताकि आप अपने मवाद जो आपका मौजूद है अंदर कंटेंट उसका आप देख सकें। तो ओपन माई कंप्यूटर विंडो अगेन, क्लिक इट्स बटन ऑन टास्क बार। फिर आप माई कंप्यूटर के विंडो पर क्लिक करेंगे जो कि टास्क बार पर मौजूद होगा, ठीक है। टू गो टू माई डॉक्यूमेंट विंडो, फिर आप माई डॉक्यूमेंट विंडो पर जाएंगे, क्लिक इट्स बटन ऑन द टास्क बार। फिर आप उसके जो बटन है उसको क्लिक करेंगे जो टास्क बार पर मौजूद होगा। द माई डॉक्यूमेंट विंडो कम्स ऑन द टॉप। फिर जो आपके माई डॉक्यूमेंट विंडो होगी, यानी माई डॉक्यूमेंट जो आपने खुला होगा वो फोल्डर, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। इन दिस वे यू कैन वर्क इन मल्टीपल विंडोज। इस तरह आप दो विंडो पर एक साथ काम कर सकते हैं, यानी आपने माई कंप्यूटर की फाइल खोली, माई कंप्यूटर के आइकन पर क्लिक करा, आपकी वो विंडो खुल गई, ठीक है। जो खुलता है उसको विंडो कहते हैं। इसके बाद आपने उसको मिनिमाइज करा तो वो टास्क बार में चले जाएगी विंडो। फिर आपने माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करा तो अब वो जो माई डॉक्यूमेंट भी खुल गए, यानी आपके दो माई कंप्यूटर की विंडो भी खुल गई और माई डॉक्यूमेंट की भी। अब आप दोनों को मिनिमाइज कर देंगे, यानी छोटा कर देंगे इनको, तो फिर आप दो विंडो पर एक साथ काम कर सकते हैं। कैस्केडिंग मल्टीपल विंडोज, ठीक है। लेट अस सी, आइए हम देखते हैं एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ ओपनिंग सेवरल विंडो। दिलचस्प तरीका बहुत सारे विंडो को ओपन करने का, ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में। राइट क्लिक अ ब्लैंक एरिया, आप राइट माउस के राइट क्लिक करेंगे खाली जगह पर, नेक्स्ट टू द ट्रे, ट्रे की खाली जगह पर आप क्लिक करेंगे। ये ट्रे जो है, ये देखें विंडो के, मैंने आपको ट्रे बताया था, ये देखिए ये रही ट्रे, ठीक है। तो इस पर आप करेंगे क्लिक, राइट क्लिक। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हेन यू गेट अ स्मॉल मेन्यू, फिर आपको हासिल होगा एक छोटा सा मेन्यू लाइक एस इट, इसकी तरह, ठीक है। चूज कैस्केड विंडो, फिर आपको उसमें एक ऑप्शन होगा कैस्केड विंडो का जो आप क्लिक कर लेंगे। नाउ फिर यू कैन सी बोथ माई कंप्यूटर एंड माई डॉक्यूमेंट विंडो एट द सेम टाइम। फिर आप देख सकेंगे दो विंडो को एक साथ जो कि माई कंप्यूटर माई डॉक्यूमेंट की होगी। योर कास्केडेड विंडो में लुक एज शोन इन द पिक्चर बिलो, यानी आपकी जो कास्केड विंडो होगी वो किस तरह दिखाई देगी, ये देखें आपको पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह आपकी दोनों विंडो खुल जाएगी, ये एक विंडो ये दूसरी विंडो, ठीक है। इनको विंडो कहते हैं। देखिए आप पहला क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर पर तो आपका ये खुल जाएगा, और देखिए माई कंप्यूटर का टाइटल ऊपर आ जाएगा, फिर ये माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस तरह ये आपको एग्जांपल दिए। क्लिक द टाइटल बार ऑन एनी एरिया ऑफ द विंडो इन विच यू वांट टू वर्क, इट विल बिकम द एक्टिव विंडो। आप क्लिक करेंगे टाइटल बार पर या उस एरिया पर जहां आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। यानी आप अगर इस पर काम करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ के सारे फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे उसकी जो पीछे विंडो है माई डॉक्यूमेंट पर तो आप वहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है।